सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह आरओ ज्वेल्स लिमिटेड। आरओ ज्वेल्स के अंदर देखोगे भाई, आज के दिन आपको यूसी लगते नजर आए हैं। स्टॉक के अंदर जब स्टॉक निचले लेवल पर था, यानी आज के दिन जब एलसी लगा था, वहाँ से स्टॉक को घुमाया और ऊपर में आप देखोगे स्टॉक के अंदर यूसी लगा है 43 या 44 रुपये के आसपास नीचे में था स्टॉक, और वहाँ से आप देखोगे 47.65 रुपये पर आज के दिन क्लोजिंग लिया है। तो ये जो तेजी बनी है इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमें ऐसे में स्टॉक के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं? जब स्टॉक के अंदर यूसी लगा तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या स्टॉक के अंदर यहाँ से रेगुलर तेजी बनेगी अब या फिर नहीं। तो मैंने उन सभी को एक ही बात बोली, भाई अभी स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री मत लो, आज शाम को इसका डाटा निकल कर आ जाएगा कि आखिरकार तेजी के पीछे का रीजन क्या है। कहीं स्टॉक के अंदर कोई ऑपरेटर गेम तो नहीं है, कहीं पब्लिक को फिर से ट्रैप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऑपरेटर आपने देखा भी होगा भाई, 3-4 ऑपरेटर थे जो स्टॉक के अंदर फंसे हुए थे हाई लेवल से। ठीक है, आपने देखा भी होगा भाई 30 दिसंबर को शायद स्टॉक के अंदर एलसी लगा और वहाँ से बहुत सारे ऑपरेटर थे जो स्टॉक के अंदर भी फंस चुके थे और बहुत सारी पब्लिक भी फंसी हुई थी, क्योंकि 64 लगभग 65 रुपये के आसपास स्टॉक के अंदर ये एलसी लगना स्टार्ट हुआ था ऊपर के लेवल से, और स्टॉक टूट चुका था लगभग आप देखोगे नीचे में 30% के आसपास स्टॉक में करेक्शन आ चुका था। और आज के दिन जो वॉल्यूम लगी है यहाँ पर आप देखोगे लगभग 3.5 लाख के आसपास वॉल्यूम लगी, तो काफ़ी हाई वॉल्यूम लगी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 48 करोड़ का है और स्टॉक ने जो रिटर्न निकाल के दिए एक साल में 463% के काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न निकाल कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी स्टॉक के अंदर इस लेवल से फिर से बनी है रिकवरी, फिर से तेजी बनी है। क्या ये तेजी फिर से रेगुलर बनेगी या फिर कोई ट्रैप है बीच में? चलिए आपको दिखा देते हैं अभी आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है। नंबर एक तो आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी है पहले उसके पीछे ऑपरेटर गेम था, यूट्यूब के ऊपर एड चलाई जा रही थी जिसके चलते स्टॉक में ये एकदम से हमें पंप होते नजर आया, तो फिर से वही रीजन है। आज के दिन दोपहर में आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर एड चलाई गई और जो ऑपरेटर है वो धीरे धीरे करके अपना जो माल है ऊपर से निकालते रहे। जी हाँ, बल्क डील हुई आज के दिन और वहाँ पर जो माल है वो सेल किया गया है। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे RSI की बात करें तो 49 पर और MFI है 97 पर, तो MFI काफ़ी ज़्यादा हाई है और RSI आपको 49 पर देखने को मिले जो कि मिड रेंज में, बट RSI इन जो इसके MFI काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इन सबको देखते हुए स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना गलत साबित हो सकता है। तो चलिए भाई देखते हैं इसके जो डाटा निकल कर आया है वो कैसा है, क्या स्टॉक के अंदर हमें यहाँ से फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप लोगों को अपना जो इसके अंदर पैसा लगाया है वो लेकर बाहर निकलना चाहिए। और वहीं आप देखोगे इसने अपना जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी अनाउंसमेंट कर रखी है, 1:5 में कंपनी आपको स्प्लिट देने वाली है। जी हाँ, अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो वो 5 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंपनी के अभी तक इसके डेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं किए, जैसे इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी वो अभी आपको बता देंगे। चलिए इसका डाटा देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखोगे एक BSE लिस्टेड कंपनी है, तो BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखोगे भाई हमें इसका डाटा देखने को मिला है, जिसके अंदर आप देखोगे इस लेवल पर जो स्टॉक में रिकवरी आई है एकदम इस लेवल पर आपने देखा तेजी बनी है, तो यहाँ पर यह बाइंग देखने को मिला था भाई, जिसके चलते स्टॉक में एकदम से ये यूसी लगा। उसके बाद स्टॉक के अंदर आप देखोगे धीरे धीरे करके थोड़ी हमें जो ना भाई स्टॉक ऊपर अप एंड डाउन करते नजर आता रहा थोड़ा। इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर आप देखोगे भाई यहाँ पर माल निकाला गया, यहाँ पर तो ये नॉन स्टॉप अपना जो माल है वो सेल कर रहे थे। कौन? ऑपरेटर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। आज की जो बल्क डील हुई है यहां पर आप देखोगे 11 जनवरी को जो बल्क डील हुई है आज के दिन, इसके अंदर एक बाइंग लगी है जो कि 53,000 क्वांटिटी की थी और किस लेवल से? 43.44 रुपये के भाव पर। ठीक है, ये हमें होते हुए नजर आई कब? जब स्टॉक के अंदर यूसी लगा। उसके बाद आप देखोगे सेलिंग, 3 सेल ऑर्डर देखने को मिले आज के दिन। यहाँ पर आप देखोगे 65,000, 70,000 और 57,000 ये क्वांटिटी निकाली गई है हाई प्राइस से। तो आप देखो भाई क्या चल रहा है बिग ऑपरेटर गेम में, इस ऑपरेटर गेम में मत फंसना। अगर एक बार ट्रैप हो गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो ऑपरेटर जो गेम में पहले से फंसे हुए हैं, जिन्होंने हाई लेवल से स्टॉक को उठा रखा है, वो यहाँ से अपना जो पैसा है वो निकाल लीजिए ताकि इस स्टॉक से दूर रहो। अपना जो पैसा जो इसके अंदर बचा हुआ है वो तो मत खो, जितना भी लॉस हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ से प्रॉफिट जो भी आपका है वो लेकर बाहर निकल जाइए, वरना इन सब से भी हाथ धो बैठोगे। जी हाँ, काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है। नीचे में स्टॉक का जो एक्चुअली में प्राइज है ना, वो आप देखोगे 10 से 15 रुपये के आसपास है और इसके ऊपर में स्टॉक को जो ना भाई ले जाए गए हैं ऑपरेटर्स के द्वारा, जानबूझ के स्टॉक को पंप किया गया है। तो थोड़ा सतर्क रहोगे तो सही रहोगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।